गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुई शर्मसार कर देने वाली घटना, कलयुगी पुत्र ने मां को किया घायल। बासुपुर गांव के निवासी उर्मिला मिश्रा को उनके ही छोटे पुत्र प्रियंकेश मिश्रा द्वारा अपने ही मां को मारकर घायल करने की घटना सामने आई है। उर्मिला मिश्रा द्वारा यह बताया गया कि पुत्र शाम को शराब पीकर घर आता है और अपने हिस्से की जमीन व जायदाद मांगता है, न देने पर गाली देता है, वह जमकर पिटाई करता है। वही घायल उर्मिला देवी का कहना है कि अगर हम सब जमीन जायदाद इनको ही दे देंगे तो फिर हम लोग कहां जाएंगे। जहां एक तरफ माँ बाप को भगवान से बढ़कर भी मानते हैं, वही कलयुगी पुत्र ने संपत्ति को लेकर अपने ही माँ व परिवार के लोगों को पीट कर घायल कर दिया। उर्मिला मिश्रा, हमारे बेटा बहू यहाँ जन हमारे आदमी के जल गए, मैं दोनों पैर जल गए 4-5 महीना से। उनके दवाई इलाज के पैसा ना दूसरे 1.5 लाख रुपया देनी है एक महीने, अरे अगस्तवा में, जुलाई अगस्त में। और ये 1.5 लाख रुपया भी ना दोगे हमारे आदमी के, एक पैसा के दवाई भी ना कही ना तई ना उनके कहानी तो लोग आए कि मतलब दवाई दर्पण करो तो मन यो पर अपन पढ़ाई छोड़ के आए इंसान। हमें जाना था उनके इतराज भर बस कहाँ घरे आ गए, नहीं तो कैसे रह तो भाग ना जाते कहाँ बल जी उन्होंने कहा कैसे ना। फिर भी हमके आके मारे लगल है, कथा माँ साख गरियावे लगल है, मारे लगल है तो कुछ देखने ना दादी को मारे, दादी को तो कुल नहीं छोड़ावे तो उन्होंने को मारे लगल है। ये लाते लाते हमें मर ले ऐसा जगह कि हम कहा बताएं। कौन मारा आपको? वो बेटा हुआ पतोहिया। नाम क्या है आपके बेटे का? बेटे का नाम प्रियंकेश मिश्रा है, उसका नाम प्रियंका है, प्रियंका मिश्रा। ये हाथ का चोट कैसा लगा आपको? वही मारी है, है? वही मारी है, वो अभी देर पकड़ लिया इसके बाद वो मारने लगी। आपकी बहू आपको मारी है? हाँ, बहू बेटा दोनों। ये बताइए कि आपके लड़के आपसे क्या मांग रख रहे हैं? हमसे मांग रहे हैं आधा धन संपत्ति, आधा नहीं देंगे हम कहाँ जाएंगे। आपको जीने के लिए और कोई सहारा नहीं है? कोई सहारा नहीं है, नौकरी है न चाकरी है न कोई सहारा नहीं है। दारू पी के आता है, बाहर से आता है, गाड़ी चला के दारू पी के आता है, हमको मारता है, बहू भी मारती है, वो भी मारता है। मारने के विचार करता है तो घर पे पहुंच जाता है दारू पी के दोनों लोग।